यातायात विभाग द्वारा उत्पीड़न किए जाने के विरोध में डीजल ऑटो चालकों ने शनिवार को गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क में बैठक कर सोमवार को होने वाले हड़ताल के लिए रणनीति बनाई। चालकों का कहना है कि ऑटो चालकों को भयभीत कर जबरन उनके गाड़ियों को सीज कर दिया जा रहा है, जिससे हम ऑटो चालकों भूखमरी के कगार पर हैं। इसलिए सभी ऑटो चालकों ने बैठक किया। इस दौरान अभिलाष शाही, विसेन विजय पाल सिंह, स्वामीनाथ, रवि श्रीवास्तव, धनंजय मल, मनोज कुमार, पागलधर द्विवेदी आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शत्रुघ्न मिश्र ने कहा, योगी आदित्यनाथ महाराज जिंदाबाद, टेम्पो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके पहले सुधार कदम लेंगे और गोरखपुर में जो भी अधिकारी आएगा गोरखपुर के टेम्पो वालों के अनुरूप काम करेगा। जब गोरखपुर पूरा विकसित हो जाएगा, लोग यहाँ के किराया देने में सक्षम हो जाएंगे, तो हम 5 सवारी में चलने को तैयार है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारा किराया मिलना चाहिए, हमारे परिश्रम का फल मिलना चाहिए, जिससे हमारे बैंक की किस्त चली जाए, हमारे जो है घर की रोटी वो भी चला जाए। ऑटो गाड़ियों को जिस प्रकार से सीट को निकलवा करके और जबरिया उस ड्राइवर को बंधक बनाया जा रहा है, आज उसी के विरोध में हम सब आप सबके बीच में पंत पार्क में एकत्रित होने का कार्य किए। टेम्पो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंजीनियर पी के माल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। टेम्पो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। टेम्पो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, ट्रैफिक पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ट्रैफिक पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरी हो, पूरी हो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी जिंदाबाद। शत्रुघ्न कुमार मिश्रा, संयोजक गोरखपुरांचल टेम्पो यूनियन। ऑटो चालको पे जिस प्रकार का कहर बरसाया जा रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही हैं, जिस प्रकार से भूखमरी के कगार पे इन लोगों को पहुंचाया गया है, आज उन्हीं को लेकर के हम लोगों ने परसों डीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। और ज्ञापन देने के बाद ये बताया था कि महोदय हम सब की पीड़ा सुनी जाए, यदि आप नहीं सुनेंगे तो मंडे को पूरे महानगर में संचालन को ठप कराएंगे। आज तक डीएम महोदय ने हम सबको बुलाया नहीं, इसलिए बैठक करके पूरे महानगर के संचालन को ठप कराने के लिए मंडे को हम लोगों ने एकत्रित एक आपस में सुझाव और परामर्श लेने का कार्य किया है कि किस ढंग से पूरे शहर का संचालन हम लोग कैसे ठप कराएं, कि किसी प्रकार का कोई सरकार विरोधी नारे न लगे, कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में न ले। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने एक अपने ऑटो चालकों के बीच में एक बैठक बुलाया है।